नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लखनऊ में प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आयुष और नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ नगरों की साफ सफाई, सुंदरीकरण और बेहतर व्यवस्थापन के साथ ही आयुष चिकित्सा व योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए 1 मार्च 2023 से चिन्हित नगरीय पार्कों में शुरू हो रहे योग दिवस एवं आयुष चिकित्सा कार्यक्रम के लिए आवश्यक तैयारियों के संबंध में बैठक की। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आज प्रातः 8 बजे से जल निगम के फील्ड हॉस्टल संगम में नगर विकास सूडा और आयुष विभाग के 1000 से अधिक अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने के लिए स्वच्छता सुखाय की अवधारणा के तहत लोगों को स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ जीवन प्रदान करने हेतु आयुष चिकित्सा और योग को जन जन तक पहुँचाने के लिए 1 मार्च से प्रदेश के सभी निकायों के चिन्हित पार्कों में आयुष चिकित्सा एवं योग दिवस कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम नगर विकास, आयुष विभाग और आवास विकास के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। सभी जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी इस कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग भी करेगी। यह कार्यक्रम शहरों के चिन्हित पार्कों में प्रतिदिन 45-45 मिनट के 2 चरणों में ग्रीष्म ऋतु में प्रातः 6:15 से 7 बजे तक एवं 7:15 से 8 बजे के बीच व शीतकाल में 7:15 से 8 बजे के व एवं 8:15 से 9 बजे तक आयोजित किया जाएगा। एके शर्मा ने बताया कि योग दिवस कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए प्रत्येक नगर निगम में ऐसे 3 पार्क, नगर पालिका परिषदों में 2 पार्क और नगर पंचायतों में 1 पार्क चिन्हित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जन भागीदारी बढ़ाने के लिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने को भी कहा गया है। योग दिवस कार्यक्रम के दौरान ऐसे सभी पार्कों में आयुष, यूनानी और होम्योपैथी के चिकित्सकों की टीम भी लोगों का स्वास्थ्य चेकअप करने के पश्चात दवा देने के लिए उपलब्ध रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपस में समन्वय बनाकर ऐसे पार्कों में तैयारियों को अंतिम रूप दें। पार्कों की साफ सफाई, स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी लगाए जाए, योगा के लिए चटाई की व्यवस्था हो, चिकित्सकों के बैठने और दवाइयों के लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था आदि पर ध्यान देंगे। उन्होंने बताया कि आयुष एवं नगर विकास विभाग का इस कार्यक्रम में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए 27 फरवरी को इस संबंध में दोनों विभाग के बीच MOU भी किया जाएगा। नगर विकास मंत्री ने 17 अप्रैल 2023 को वाराणसी में होने वाली G20 की बैठकों की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने नगर आयुक्त वाराणसी को निर्देश दिए कि शहर की हरियाली और खूबसूरती को बढ़ाएं, वाराणसी में वैश्विक स्तर का व्यवस्थापन करें। इसके लिए अभी से कमर कस लें, कहीं पर कोई कमी न रह जाए, चिन्हित मार्गों पर बेहतर प्रबंधन हो, स्वच्छता सफाई का विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि लखनऊ और आगरा में हुई G20 की बैठकों में आए प्रतिनिधियों ने वहाँ की साफ सफाई, सुंदरता और व्यवस्थापन की बहुत तारीफ की है। ऐसा ही प्रयास वाराणसी के लिए भी किया जाए। उन्होंने सभी नगर आयुक्तों को भी निर्देश दिए कि शहर को ग्लोबल सिटीज बनाने के अभियान को युद्ध स्तर पर जारी रखें, योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए समयबद्ध रूप से लक्ष्य के अनुरूप कार्य करें, इस वित्तीय वर्ष में जारी बजट को समय से खर्च करें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जिन योजनाओं में बजट खर्च नहीं हो पाएगा, आने वाली वित्तीय वर्ष में उन योजनाओं के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। कार्यों में लापरवाही और इस स्थिरता के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने निदेशक सूडा व निदेशक नगरीय निकाय को निर्देश दिए कि अपने विभागों के कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग करें और योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए कार्य योजना को और व्यवस्थित ढंग से संचालित करें। आगे क्या कुछ कहा आप भी देखें और सुने हमारी इस रिपोर्ट में। न्यूज नाइन भारत के लिए अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। नगर निकायों के लगभग 1000 अधिकारियों कर्मचारियों के साथ आज हमने सुबह सुबह वर्चुअल मीटिंग किया, विशेष रूप से उन्हें G20 और ऐसे हमारे जो वैश्विक कार्यक्रम हुए उनके मद्देनजर जो हमने वैश्विक नगर बनाने का जो कार्यक्रम चलाया था उसमें जो काम हुआ है उसके लिए हमने उनको बधाई भी दी। खास करके आगरा और लखनऊ में हमारा जो G20 का कार्यक्रम हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम हुआ, उसके जो मेहमान आए थे, हमारे पूरा वैश्विक समुदाय हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पे उतरा हुआ था, उन लोगों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा किया, वो बात भी हमने उनको बताई और उनको बधाई दिया। फिर उसके साथ जो हमारे अच्छे काम हुए हैं वो लंबे समय तक टिके और उन्हें देख करके ऐसा न लगे कि जैसे शादी के बाद का दृश्य होता है। मैंने सबको बताया कि अच्छी शादी हो जाती है उसके बाद हम लापरवाह हो जाते हैं, कई दिन तक बड़ा विचित्र सा दृश्य दिखता है, ऐसा न लगना चाहिए। हमें उन सफाई और सुशोभन के जो कार्य हुए हैं
उन्हें लंबे समय तक टिकाना है। आने वाले जो G20 की जो इवेंट्स हैं खास करके वाराणसी में, उसके लिए हमने उनको सतर्क किया, उनके लिए काम करने को हमने उनको अलर्ट किया। साथ ही हमारी जो दैनिक सफाई का जो कार्यक्रम होता है, घरों से कूड़ा उठाने का जो कार्यक्रम होता है, सुबह उठ करके 5 बजे से 8 बजे तक की सफाई का जो हमने कार्यक्रम चलाया है, उसमें कहीं भी कोई ढिलास न रहे, कहीं भी कोई गंभीरता की कमी न दिखाई दे, पूरी संजीदगी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ ये सारे कार्य चलते रहे, इसके लिए हमने सबको अलर्ट किया है। और विशेष रूप से आने वाले महीने में स्वच्छ भारत सरकार की तरफ से स्वच्छ सर्वेक्षण का काम होगा। आने वाले समय में हमारे लिए एक तरह से बड़ी चुनौती है कि हम कैसे उत्तर प्रदेश के नगरों को श्रेष्ठ नगरों में तब्दील करें, श्रेष्ठ नगरों में हम उन्हें ले जाएं। इस प्रकार हमें अपने कार्यों को करना है और आने वाले दिनों में होली का जो त्योहार है वो भी स्वच्छ दिखे, उस समय हमारे नगर स्वच्छ दिखे। इस प्रकार ये कार्य करते हुए वैश्विक नगर बनाने की दिशा में हम जो आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए फिर से सतर्क करने, फिर से हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, जो कमियां, जो शिथिलता या ऐसा कहीं कोई देखने को मिलेगा तो हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे, ये भी हमने चेतावनी दिया है। वर्ष का अंतिम समय है तो हमारे बहुत से कार्य चल रहे हैं जहां हमें वित्तीय और भौतिक रूप से प्रगति दिखानी है, उसके लिए भी हमने उनको सबको सावधान किया है। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में नगरों की व्यवस्था कैसे और बेहतर बने। देश के जनपदों में अवस्थित नगर विकास और विकास प्राधिकरण के मुख्य पार्कों में प्रतिदिन सुबह 6:15 से 7 बजे तक एवं 7:15 से 8 बजे तक 2 सत्रों में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही पार्कों में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी विद्या विशेषज्ञ सुबह 7 से 8 बजे तक परामर्श हेतु उपलब्ध रहेंगे। ये सूचना आयुष विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। इसमें आयुष का मतलब ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा एंड सोवारिप्पा और एन से होम्योपैथी है। स्वस्थ यूपी, स्वस्थ भारत। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।